नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 729 पोस्ट कोड पुलिस यहाँ पे इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की। यहाँ पे इसका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, जिसका यहाँ पे टेस्ट हुआ था। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कब इसका टेस्ट हुआ था। 729 पोस्ट 31 जुलाई 2019 को इसका टेस्ट हुआ था, और एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। अब इसकी रेस होगी, जो कि फर्दर प्रोसेक्शन होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ एच पुलिस शिमला 2 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो आई है। अब देखिए, 26,000 लोगों ने टेस्ट भरा था, और जिसमें से 22,524 कैंडिडेट को रोल नंबर अलॉट हुआ था, और उसमें से 21 जुलाई 2019 को टेस्ट हुआ था, जिसमें 17,731 कैंडिडेट ने भाग लिया था, रिटर्न टेस्ट दिया था, और जिसमें 4,739 एबसेंट रहे थे। अब 17,731 कैंडिडेट में से 691 कैंडिडेट को फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया गया है, और इसके फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा आंसर की का, या तो आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, या तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरा को मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक जिसका जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वीडियो के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा, या 19 सितंबर को रिजल्ट आया है PDF फाइल को। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं अपना अपना रोल नंबर। यहाँ पे 08 रोल नंबर से स्टार्ट है पहला, और 56 है, फिर 113 रोल नंबर है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी रोल नंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके कि किस किस का रोल नंबर आया है, या किस किस का नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, 13,351 रोल नंबर है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए, फिर 19,838 के बीच में अगर आपका रोल नंबर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे आगे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका 26,315 से पहले रोल नंबर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 19,682, 19,870 से आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे देखिए लास्ट कैंडिडेट ये है, जो कि इस प्रकार से 23,418 से आगे यहाँ पे 26,758 तक है, 691 कैंडिडेट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा 14 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर को 9:30 बजे से। यहाँ पे ये यह होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ ग्राउंड पॉलिटेक्निकल बरू में हमीरपुर, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरू हमीरपुर है, वहाँ पे आपका होगा सेंशल फिजिकल कॉन्टेस्ट। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ये आपको लेके आने, वन आईडी प्रूफ और डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड से डाउनलोड होगा वो लेके जाना है। वो यहाँ पे फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट, उस दिन आपको यहाँ पे देना है। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए, स्टाफ सिलेक्शन वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जो होगा वो भी देख सकते हैं कि डेमो है, यहाँ पे बताया गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी फाइनल आंसर की, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फाइनल आंसर की, पोस्ट कोड 729 सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की। यहाँ पे देखिए, सीरीज ए की बात कर रहे हैं हम पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है सी एन डी, यहाँ पे देखिए इसका दोनों करेक्ट है, और यहाँ पे 19 क्वेश्चन है वो गलत है, चारों के चारों ऑप्शन गलत ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे मैच कर सकते हैं। 168 का क्वेश्चन का भी यहाँ पे गलत दिया गया था आंसर, तो यहाँ पे एक मार्क्स सबको ग्रेस का लगेगा। यहाँ पे सीरीज बी की बात कर रहे हैं अब हम, 148 यहाँ पे गलत था, 139 गलत था यहाँ पे देखिए, और 153 सी एन डी दोनों ऑप्शन करेक्ट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैच भी कर सकते हैं। अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो मैंने अपना वीडियो यहाँ पे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वीडियो के, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यह आंसर की सी रि सी, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम फाइनल आंसर की डी सीरीज सब इंस्पेक्टर ऑफ 729 पोस्ट कोड की सीरीज डी। यहाँ पे देखिए, बाकी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, एन एक्सपर्ट पैनल वेटेड जो भी यहाँ पे नोट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31/8/2019 को ये आंसर की बनाई गई थी, जो भी आपके ऑब्जेक्शन थे उसके बाद ये बनाई गई है। तो ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।